ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा, जस्ट इसको इस लिंक को ओपन कीजिए। इक्लिप्स का ऑफिशियल ये वेबसाइट है और यहाँ पे आप देखेंगे eclipse.org, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसको, eclipse.org और /downloads, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा अपडेटेड है। आज के डेट की अगर हम बात करते हैं, सबसे अपडेटेड ये चीज है। और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड होना शुरू होगा। ये काफी वक्त लगेगा, डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट का स्पीड क्या है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके पहले से रखा है क्योंकि काफी वक्त लगता है, तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके जो रखा हुआ है ये वाला फाइल आपको दिखेगा डाउनलोड होने के बाद। आई होप कि आप लोग देख पा रहे हैं, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे क्या आप लोग देख पा रहे हैं डाउनलोड फाइल्स। यहाँ पे इक्लिप्स इंस्टेंट JREWIN64 लिखा हुआ सभी लोगों को दिख रहा है, यस और नो, राइट? तो इसको जस्ट आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप ये डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वक्त लेगा ये, और उसके बाद जो है ये आपको दिखाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, मैं सभी को बंद कर देता हूँ, और ये जो ऑप्शन आया था इस तरीके से ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको रन बटन आपको दिख रहा होगा, जस्ट इस रन बटन पे क्लिक करना है, और बाकी को मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ, और ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये एक ओपन होगा। और यहाँ पे जो प्रोसेस है, मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें बहुत इशू आता है कि कैसे कहाँ से लाएं। ये कम्प्लीटली अपडेटेड मैंने यहाँ पे लिया है, इक्लिप्स इंस्टॉलर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये ओपन होगा। इसको ओपन होने देते हैं, बहुत सारे लोगों को इश्यू आता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको करके ही आपको एक एक चीज आपको दिखाऊंगा, नहीं तो फिर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ जाता है। तो फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं पहले इसके लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ओपन होके आपके पास आएगा। तो अभी हम लोग जो सीखेंगे वो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अभी सर्वलेट यानी एडवांस जावा, जहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि इंटरप्राइज एडिशन जो होता है उसके लिए। तो यहाँ पे आप देखें क्या कि यहाँ पे सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन क्या है, IDE फॉर जावा डेवलपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस, अभी हम क्या क्या करेंगे कि इक्लिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर, यहाँ पे सबसे पहले ये ऑप्शन है, लेकिन सेकंड, ये फर्स्ट वाले ऑप्शंस पे आपको नहीं जाना है, ये सेकंड वाले ऑप्शंस पे हम लोग आएंगे, इक्लिप्स IDE फॉर इंटरप्राइज जावा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और ये करता हूँ तो आप और बेहतर तरीके से आप देख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाला अगर करते हो, यानी फर्स्ट अगर आप करते हो, तो इसमें आप कोर जावा का आप आसानी से कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स कोर जावा में जो जो भी चीजें आपने सीखा है उस सब चीज को आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम एडवांस जावा की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग JSP की बात करते हैं, सर्वलेट की बात करते हैं, या आगे हम स्प्रिंग हम देखेंगे, ये सब कंसेप्ट समझने के लिए आपको यूज करना होगा इक्लिप्स IDE फॉर इंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स। ठीक है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। इस पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पे जस्ट इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलिंग शुरू होगा, यहाँ पे हो चुका है, और ये थोड़ा सा वक्त लेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लूँ, और ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम का स्पीड, आपका इंटरनेट का स्पीड, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। और ये पर्टिकुलर ये प्रोसेस मैं स्किप कर सकता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे पहले वाले जो बैचेस में बताया हूँ उनको ये प्रॉब्लम आता था, कोई कर पाता था कोई नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको पूरा डिटेल आपको स्टार्टिंग से बताएं कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाएगा, थोड़ा सा वक्त लेगा। आप लोगों में से किसके किसके पास ये इस तरीके से आपने किया हुआ है, चैट बॉक्स में जरूर आप टाइप करके बताइए कि किनके पास ऑलरेडी ये सेटअप बना हुआ है। यस,
मतलब कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस के लिए बात कर रहा हूँ, कोर जावा के लिए इक्लिप्स उसका नहीं बात कर रहा हूँ, जो वेब एप्लीकेशंस की बात करते हैं एडवांस जावा के लिए, उसमें हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें से और इसमें हमें अपैची टॉम कैट की भी जरूरत होगी, अपैची टॉम कैट इसमें किस तरीके से कन्फिगर करना है, राइट? मैक्सिमम लोग नहीं किए हैं आप में से, तो ये चीज आप समझिए, क्योंकि अगर आप कभी कभी आप जब इंटरव्यू में भी ऐसा पूछेगा आपसे क्या कि आपको कम्प्लीटली एक सिस्टम दे देगा, इंटरनेट से कनेक्ट करके दे देगा, बोलेगा कि कम्प्लीट आप इक्लिप्स का सेटअप करके एक सिंपल सा एक आप सर्वलेट का या जीएसपी का आप प्रोजेक्ट आप रन करके आप दिखाएं, ठीक है? उस वक्त अगर आप स्टार्टिंग से आप अच्छी तरीके से नहीं करते हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉमकैट को भी हम यहाँ पे किस तरीके से कन्फिगर करेंगे जब इक्लिप्स हमारा ये कम्प्लीट हो जाता है, तो इक्लिप्स में ही हम सर्वर का कैसे हम यूज हम करेंगे उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कोर जावा में जो था वो अलग पार्ट था, वो बहुत सिंपल तरीके से आप आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है? बहुत इजी तरीके से उसको किया जा सकता है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसमें बट हो जाएगा आप जल्दी ही। अब देखिए ये चीज हो चुका है, अब यहाँ पे ऊपर भी आपको ऑप्शन दिखा रहा होगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे लॉन्च के लिए आपको बोल रहा है, आप जस्ट क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिप्स आईडीई 2021.03 दिखा रहा है, ठीक है? ये वर्जन है इसका, और ये जैसे ओपन होता है, ओपन होने के बाद इसमें हम टॉमकैट सर्वर किस तरीके से इसमें रखेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा, और टॉमकैट का कोई भी वर्जन आप रख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास डाउनलोड होगा वही मैं यूज कर लूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से उसको आप कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। अब यहाँ पे वर्क स्पेस जो आपसे पूछ रहा है कि वर्क स्पेस आप कौन सा यूज कर रहे हो, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे ये जा रहा है कि सी में यूजर्स में कुछ इस तरीके से जा रहा है, बट आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज भी आप कर सकते हो आप, ठीक है? आपके सिस्टम अगर मान लो कि आप सी में नहीं रखना चाहते हो, आप डी ड्राइव में रखना चाहते हो, तो यहाँ पे ब्राउज करके आप किसी और ड्राइव में भी आप उसको कन्फिगर कर सकते हो, किसी भी और दूसरे लोकेशन पे भी उसको आप कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं डी ड्राइव में जा रहा हूँ, डी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, क्या वेब एप्स जावा प्रोजेक्ट ये नाम दे दिया मैंने, ठीक है? इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर है, आप देख सकते हो आ चुके हैं हम डायरेक्टरी जो होगा, यानी वर्क स्पेस का मतलब क्या कि प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पे सेव होने वाला है, ये लोकेशन मैंने दे दिया, ठीक है? और उसके बाद अच्छा एक चीज पे ध्यान रखना कि इस पे आप टिक मत करना कभी भी, आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसको जस्ट आप एज इट इज छोड़ दो आप, और जस्ट यहाँ पे लॉन्च पे आप क्लिक करेंगे। जैसे लॉन्च पे क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और उसके बाद ये इक्लिप्स हमारा ओपन करके दे देगा। इसके अंदर में क्या सब चीजें होगा उसके कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में हम देखेंगे, और इसमें हम टॉमकैट सर्वर और सर्वर क्यों जरूरत होता है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा अभी बताऊंगा आपको। तो एक बार ये पहले ये ओपन हो जाए, फिर हम इसके बारे में और भी और बेहतर तरीके से डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। फर्स्ट टाइम टाइम लेता है, बट सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका के कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन कितना अच्छा है, इंटरनेट स्पीड कितना बढ़िया है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा वक्त ले रहा है, चलिए ये ओपन हो करके हमें दे दिया, ठीक है? चलिए जब ये ओपन हो चुका है तो थोड़ा सा इसको पूरा रिफ्रेश होने देते हैं, कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी टाइम लेगा ये, राइट? क्लियर होगा, मैंने इसको मैक्सिमाइज कर दिया। ये वेलकम पेज है, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ट्यूटोरियल दिया हुआ है कि आप कैसे यूज करना है, तो इसको फिलहाल स्किप करो, यहाँ पे वेलकम के जस्ट बगल में क्रॉस है, क्लोज कर दो आप। कुछ इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगा, ये कंप्लीटली फ्रेश इक्लिप्स है आपके सामने में, हमने इसको ओपन किया है डाउनलोड करके, पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या आउटलाइंस वगैरह है, इसको क्लोज कर दो आप, एकदम सिंपल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सर्वर यहाँ पे आपको दिखेगा, सर्वर टैब आपको यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे दिखा रहा है नो सर्वर अवेलेबल हियर, यहाँ पे है ना नो सर्वर अवेलेबल, मतलब कोई भी सर्वर से ये मेरा इक्लिप्स अभी यहाँ पे लिंक नहीं है, सबसे पहले सर्वर हमें चाहिए। तो सर्वर जो है वो कैसे हम यहाँ पे लाएंगे, सर्वर में आप गूगल पे जैसे जाओगे वहां पे लिखोगे अपैची टॉमकैट, मैं वापस से यहाँ पे गूगल पे मैं जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि अपैची टॉमकैट
डाउनलोड, ठीक है, अपैची टॉमकैट डाउनलोड फॉर इक्लिप्स। आप सिर्फ अपैची टॉमकैट आप लिख दो, उससे भी आपका काम हो जाएगा, और डायरेक्टली आप यहाँ पे जो है अपैची टॉमकैट डाउनलोड, ठीक है, आप देख सकते हो अपैची टॉमकैट डाउनलोड लिखा, और इसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हमेशा कोशिश कीजिएगा उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसी से आप लीजिएगा, दूसरे वेबसाइट से लेंगे तो हो सकता है कभी वायरस वगैरह आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे tomcat.apache.org इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, बस इसी पे आपको जाना है और यहाँ से आप उस चीज़ को आप डाउनलोड आप कर सकते हो आप, ठीक है, ये ओपन होगा, टाइम लगेगा, मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो आप अब करना क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो मैंने जो डाउनलोड करके रखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर में एक अपैची रखा हुआ है, आप देखो मैंने यहाँ पे जो मैं ये रखा है 7 रखा है, आप 7 भी यूज कर सकते हो, 8 भी यूज कर सकते हो, 9 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 7 डाउनलोड करके रखा हुआ है, जब आप डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से आएगा, जिप फाइल में आएगा, और जैसे इसको अनजिप करोगे कुछ इस तरीके से बनेगा अपैची टॉमकैट, इसको डबल क्लिक करेंगे इसके अंदर में, लेकिन हमें कुछ इसमें करना नहीं, इसको इंस्टॉल वगैरह कुछ नहीं करना है। कैसे होगा, मैंने जस्ट लोकेशन बताया कि जैसे मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया अपैची टॉमकैट, इसको एक अनजिप किया तो ये फाइल हमारे पास बन रहा है अपैची टॉमकैट, और अब हमें इसी अपैची टॉमकैट 7.0 को कन्फिगर्ड करना है मेरे इक्लिप्स से। अभी जो मेरे पास इक्लिप्स यहाँ पे अभी आपके सामने ब्रांड न्यू इक्लिप्स हमने यहाँ पे रखा हुआ है, कैसे करेंगे कन्फिगर्ड, देखिए यहाँ पे है नो सर्वर अवेलेबल, है ना, लेकिन उसके सामने ये भी लिखा है क्लिक दिस लिंक टू क्रिएट अ न्यू सर्वर, आप सर्वर बना भी सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, जैसे हम क्लिक करेंगे, अच्छा एक चीज और पहले बता दूं आपको, यहाँ पे विंडोज में जाओगे, आपको शो व्यू में जाओगे, यहाँ पे भी आपको सर्वर दिखेगा। कभी कभी क्या होता है कि ये सर्वर टैब कभी कभी आपसे, मान लो कि गलती से आपने इसको क्लोज कर दिया तो आपको सर्वर टैब आपको दिखेगा ही नहीं, अब वापस से सर्वर टैब कैसे लाओगे आप, या कभी कभी जब इक्लिप्स ओपन होगा तो आपको सर्वर टैब यहाँ पे नहीं दिखेगा, जैसे अभी आपको यहाँ पे मार्कर्स दिख रहा है, प्रॉपर्टीज दिख रहा है, डेटा सोर्स दिख रहा है, स्निपेट्स दिख रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे सर्वर तो दिख नहीं रहा है, तो उस सर्वर को यहाँ पे हम कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे और यहाँ पे शो व्यू करके ऑप्शन मिलेगा, और इसके अंदर यहाँ पे आपको सर्वर आपको दिखेगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे भी आपको नहीं दिखेगा, उस वक्त क्या करना है, अदर में जाना है, अदर में जाना है और यहाँ पे जो है ना टाइप फिल्टर टेक्स्ट मीन्स व्हाट डू यू वांट टू सर्च, और इस सर्च वाले जो बार है उसमें आप टाइप कर दो कि क्या आपको चाहिए, हमें चाहिए सर्वर, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, जैसे टाइप किया आ गया, ये सर्वर सेलेक्ट कीजिए, और जैसे आप यहाँ पे ओपन आप करोगे आप देखोगे सर्वर टैब यहाँ पे आ चुका है। आई होप कि चीजें समझ में आ रहा होगा, तो सर्वर टैब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अब हमें उसके को कन्फिगर करना है। मैंने अपाची टॉमकैट डाउनलोड करके रखा है, और कहाँ रखा है मैंने आपको बताया कि डी ड्राइव में सॉफ्टवेयर फोल्डर में मैंने रखा हुआ है, आप कहीं भी जहां पे भी रखते हो आपको उस लोकेशन को याद रखना है। और फिर यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएगा, यहाँ पे बेसिक है कुछ, इसको हटा दो, बंद कर दो उसको, और मेरा जो सर्वर कौन सा है अपैची, तो यहाँ पे अपैची के अंदर यहाँ पे जस्ट अपैची के जस्ट पीछे अगर आप देखो छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, जस्ट इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखा रहा है, और अब डिपेंड करता है कि अभी आपने टॉमकैट का कौन सा वर्जन आपने लिया हुआ है, यहाँ पे वर्जन 10 तक का ये सपोर्ट करेगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो है कौन सा है 7 है, तो मैं 7 को ही सेलेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। आपने अगर टॉमकैट का वर्जन 8 लिया है तो 8 सेलेक्ट कीजिए, यानी अगर टॉमकैट का जो वर्जन होगा वही यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मेरे पास 7 है, मैंने 7 को सेलेक्ट किया, और अगर आपके पास 9 होगा तो 9 को सेलेक्ट कीजिए, आपके पास 10 है तो 10 को सेलेक्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली करना है। ऐसा नहीं कि आपका टॉमकेट का वर्जन कुछ और है, आपने डाउनलोड करके कुछ और रखा है, और यहाँ पे जो है मिसमैच नहीं करना है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है क्या टॉमकेट का वर्जन 7, इसलिए इसको सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, जस्ट हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है नेम अपैची टॉमकेट वर्जन 7.0, और इसके जस्ट नीचे आपको दिखा रहा है क्या टॉमकैट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि आपने पहले से डाउनलोड करके रखे हो उसका डायरेक्टरीज मुझे बता दो, है ना, वो डायरेक्टरीज अब बताना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जस्ट ब्राउज का ऑप्शन है, ब्राउज पे क्लिक कीजिए, आपके सिस्टम को ये ओपन कर दिया है। मैंने कहाँ पे रखा था उस लोकेशन से लिंक कर दूंगा, आप जहां पे रखेंगे उसके साथ लिंक करेंगे। मैंने यहाँ पे डी ड्राइव में जा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर फोल्डर में, सॉफ्टवेयर फोल्डर में अपैची टॉमकैट आप देख पाएंगे, जस्ट इसको सेलेक्ट करना है, इवन मुझको इसके अंदर भी नहीं जाना है,
जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर फाइल, और यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर है, यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दिया, आप देखेंगे ऑटोमेटिक वो ले लिया कि डी के अंदर सॉफ्टवेयर है उसका अपाची टॉमकैट 7.0 यहाँ पे हो चुका है। और फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये कंटेनर है ना, सर्वर का कंटेनर है, यानी जो भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे इसी कंटेनर में जाके स्टोर होगा, लेकिन अभी हमने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, दैट्स व्हाई इट्स कंप्लीटली एम्प्टी। अभी यहाँ पे एक भी प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए ये कंप्लीटली एम्प्टी है सर्वर हमारा। और यहाँ पे नेक्स्ट, अभी देखो नेक्स्ट अभी काम नहीं कर रहा है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश बटन, और जैसे आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि सर्वर जहाँ पे पहले नहीं था, अब यहाँ पे टॉमकैट वर्जन 7 सर्वर या लोकल होस्ट ये आ चुका है, और अब ये हमारा सर्वर से कन्फिगर्ड हो चुका है। बट अभी भी कुछ काम और हमारा बचा हुआ है, और वो क्या होगा, कैसे होगा, उस चीज को आप यहाँ पे समझिए। ये यहाँ पे आ चुका है, कन्फिगर्ड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, क्या करना है, सिंपल सा सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद जस्ट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जनरल के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन है लोकेशन। लोकेशन में यहाँ पे दिया हुआ है वर्क स्पेस मेटा डेटा, जो कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें लोकेशन क्या चाहिए था, टॉमकैट अपाची का जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी था वो चाहिए था। हमें कैसे करना होगा, जस्ट उसके आगे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्विच लोकेशन, जैसे स्विच करेंगे ऑटोमेटिक वो टॉमकैट इंस्टॉलेशन जो भी वर्जन है उसके साथ वो लिंक हो जाएगा, और यहाँ पे अप्लाई कीजिए और फिर अप्लाई एंड क्लोज कर दीजिए, एक पार्टी खत्म। अब जैसे ये चीज मैंने किया, आप यहाँ पे देखोगे मेरे कर्सर पे फोकस करेंगे तो सर्वर्स करके यहाँ पे एक बन चुका है ये, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर में आप देख सकते हो ये कॉन्फ़िगर्ड, यहाँ पे सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन और सर्वर सब कुछ यहाँ पे आपके क्लिप के साथ आ चुका है। लेकिन अभी भी एक काम और बचा हुआ है, और वो क्या, यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करना है। कहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे डबल क्लिक किया, एक टैब ओपन हो चुका है, और टैब का नाम क्या है, लोकल होस्ट वर्जन 7.0 सर्वर एट लोकल होस्ट। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट यहाँ पे आप देखोगे कि यूज वर्क स्पेस मेटा डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है, डज नॉट मॉडिफाई, यहाँ पे इसको छोड़ दो आप, ये टिक किया हुआ है, ठीक है, इसको अनटिक करो, और यहाँ पे जैसे टिक करोगे यूज टॉमकैट इंस्टॉलेशन, बस ये सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे टॉमकैट के जस्ट पहले एक छोटा सा स्टार साइन दिखेगा, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जस्ट इसको कंट्रोल एस करो, सेव करते हुए वो स्टार निकल जाएगा, मतलब अभी आपने जो भी चेंजेस किया है वो सब कुछ सेव हो चुका है इस इक्लिप्स में, अब इसको आप क्लोज कर सकते हैं, मतलब अब आपका ये जो पर्टिकुलर इक्लिप्स है ये कंप्लीटली मेरे जो भी एडवांस जावा का जो हम लोग आगे प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे, यानी जेएसपी देखेंगे हम लोग, सर्वलेट देखेंगे, सभी को आसानी से ये रन कर सकता है। अब बात ये है कि हम प्रोजेक्ट हम एक बनाना चाहें तो किस तरीके से, एक प्रोजेक्ट हम किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये तो पूरा मैंने आपको क्या बताया, इक्लिप्स को सेटअप करना, इक्लिप्स डाउनलोड कहाँ से होगा, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसमें हम अपाची टॉमकैट को कैसे हम कन्फिगर करेंगे, सर्वर अगर नहीं है तो सर्वर कैसे लाएंगे, एक एक स्टेप मैंने आपको बताया, इसके बाद हम कैसे कर सकते हैं, राइट, विदाउट इंटरनेट नहीं होता है, इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है, डाउनलोड अगर आपको करना है तो इंटरनेट तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आज के जमाने में इंटरनेट किसके पास नहीं होता है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होगा इस चीज को समझिए, आपको कैसे करना है, यहाँ पे इस तरफ ये जो आप देख रहे हो बॉर्डर है ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आपको जो दिख रहा होगा, बस इधर ही यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू और यहाँ पे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट आपको क्लिक करना है, क्योंकि हमें एक डायनेमिक वेबसाइट बनाना है, डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस बनाना है, जहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट होगा और रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर्मली जब हम जावा प्रोजेक्ट करते थे कोर जावा में तो हम सिर्फ प्रोजेक्ट किया करते थे, लेकिन अभी मुझे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्लिक सेलेक्ट रखेंगे, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का आपको नाम देना है, प्रोजेक्ट का नाम आप जो भी देना चाहो दे सकते हो, मैंने यहाँ पे दे दिया माई फर्स्ट वेब एप्स, है ना, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया। अब देखोगे आप टारगेट रन टाइम आपको दिखा रहा है कि ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट होगा ये रन कहाँ पे होगा, अपाची टॉमकैट वर्जन 7 पे रन होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि कभी कभी अगर ये गलती से सिलेक्ट हो गया तो प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, तो टारगेट रन टाइम हमेशा अपाची टॉमकैट होना चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान दे के करना है, ठीक है, और कोई चेंजेस आप मत कीजिए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होगा SRC, उसके अंदर मेन, उसके अंदर जावा, ऑटोमेटिक बनेगा, आपको कुछ चेंजेस करना नहीं है, बस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाओ, डायरेक्टली फिनिश मत कीजिएगा, नेक्स्ट जब तक काम कर रहा है नेक्स्ट बटन पे ही क्लिक कीजिएगा। अब नेक्स्ट बटन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया कॉन्टेक्स्ट रूट, कॉन्टेक्स्ट रूट बताता है क्या कि आपने प्रोजेक्ट का क्या नाम दिया है,
उसके अंदर क्या होगा, एक कंटेंट डायरेक्टरी क्रिएट होगा, एसआरसी फोल्डर बनेगा, उसके अंदर मेन फोल्डर होगा, उसके अंदर में वेब ऐप नाम का एक फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि उसे कोई एडवांटेज तो होगा नहीं, तो हम क्यों उतना मेहनत करें। ठीक है, तो जो बाय डिफॉल्ट है वही आप रहने दो। और ये पार्ट कंपलसरी है, जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, ये पर्टिकुलर फाइल तो आपको कंपलसरी तौर पे टिक करना ही है। अगर आप नहीं करेंगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वेब डॉट एक्सएमएल फाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम आगे कोडिंग आपको बताएंगे तो उसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको जस्ट इक्लिप्स को सेटअप करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस पे मैंने टिक किया है और फिनिश बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे फिनिश करेंगे इंस्टॉलिंग आपको दिख रहा होगा, और ये आपके लिए प्रोजेक्ट रेडी करके आपको दे दिया है इसमें। ठीक है, यहाँ पे माई फर्स्ट वेब ऐप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक्सपेंड पे क्लिक कीजिए। बहुत सारे यहाँ पे फोल्डर्स आपको दिख रहा है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो जरूरत की चीजें हैं उसके बारे में हम काफी डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। अब आपको करना क्या है, इस SRC के अंदर आपको जाना है, मेन के अंदर जाना है। और मैंने क्या बताया था, जावा था उसके अंदर, और उसके नीचे क्या था, वेब एप्स था। वेब एप्स के अंदर जाओ, वेब एप्स के अंदर वेब INF है उसके अंदर जाओ, और यहाँ पे आपको वेब डॉट XML आपको दिखेगा, क्योंकि हमने वहां पे एक चेकबॉक्स था, चेकबॉक्स को टिक किया था, जिसकी वजह से ये फाइल बना था। अगर वो वहां पे टिक नहीं करते तो ये वेब डॉट XML फाइल वहां पे क्रिएट नहीं होता, इसलिए आपको ये वहां पे टिक करना जरूरी था। अब इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फाइल ओपन होगा, और ये कुछ डिजाइन का पेज ओपन होगा। आप सोचेंगे हम कोडिंग यहाँ पे कहाँ पे करेंगे, तो कोडिंग का पार्ट यहाँ पे होगा। देखो अभी डिजाइन वाले में हो आप, ठीक है, यहाँ पे सोर्स है उसके जस्ट बगल में, मेरे कर्सर पे फोकस जरूर करना आप लोग। सोर्स सोर्स पे जैसे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको पूरा कोड आपको यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे आपको एरर भी आपको दिखा रहा है। ठीक है, देयर इज वन एरर इन, यहाँ पे दिखा रहा है ना 3.0 कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एरर आपको दिखाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये जो साइज है बहुत छोटा है, जो आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप जब भी आप खुद भी कोडिंग करोगे तो आपको इतना छोटा रहेगा, दिखेगा नहीं। फॉन्ट, तो फॉन्ट हम कैसे बढ़ाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा दूं। आपको जाना है विंडो में, सबसे लास्ट ऑप्शन में आना है, प्रिफरेंसेस में। प्रिफरेंसेस में जब आप जाएंगे तो आपको एक चीज दिखेगा, और वो क्या है होगा, वो क्या है, प्रिफरेंसेस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जनरल होगा। जनरल जब एक्सपेंड करेंगे आप, नीचे आना, आपको एडिटर दिखेगा, एडिटर पे डबल क्लिक करेंगे आप। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट एडिटर, एडिटर के अंदर टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, इसको आप डबल क्लिक कर दो आप, और यहाँ पे आपको मिलेगा कलर्स एंड फॉन्ट्स, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में आना टेक्स्ट फॉन्ट, इस पे डबल क्लिक आप करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक जब आप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा साइज कितना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है 20 20, जो के होगा 22 कर देता हूँ, और यहाँ पे ओके कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए, अप्लाई एंड क्लोज कीजिए। बस अब देखोगे फॉन्ट साइज बढ़ चुका है, और आपको अच्छे से विजिबिलिटी भी होगा, और जब आप खुद भी कोडिंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे किस तरीके से उसके फॉन्ट साइज को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है, इसको कैसे सही किया जाएगा। सबसे इधर आते हैं, एकदम इसको लास्ट में आते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा वर्जन, आपको क्या दिख रहा है, 3.0 दिख रहा है ना। ठीक है, इसको हटाओ और यहाँ पे डाल दो 2.4 कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जब आप देखेंगे फिर से अभी भी मुझे एरर आपको यहाँ पे दिखा ही रहा है। ठीक है, तो इस एरर को इग्नोर भी किए कर सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या 3.0, और अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो आप जैसे देखो वापस से मैं 3.0 किया, ये एरर यहाँ से निकल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एरर है, बिल्कुल कोई एरर नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले कितना था 3.0 ही था, लेकिन मैंने उसको हटा दिया, मैंने क्या लिखा 2.4 लिख दिया वर्जन। उसके बाद फिर से मैं 3.0 किया तो ऑटोमेटिक वो एरर निकल जाता है। ये बहुत ही ट्रिक है जो काफी एक्सपीरियंस के बाद आप सीखोगे, लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक वेब डॉट एक्सएमएल फाइल है, जिसमें बहुत सारे एचटीएमएल का इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा एक एचटीएमएल फाइल अगर मुझे रन करना हो तो यहाँ पे कैसे रन करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। अब आपको करना क्या है कि एचटीएमएल फाइल हम इक्लिप्स में कैसे रन करेंगे, जैसे कि आपने मतलब अगर आप एचटीएमएल अगर आप जानते हैं तो एचटीएमएल में आप सिंपल सा आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, सबलाइन यूज कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग एडिटर से आप यूज कर सकते हैं। बट इक्लिप्स में अगर आप जावा में कोडिंग करना चाहते हो और उसमें हम कैसे किस तरीके से एचटीएमएल के फाइल को कहाँ रखेंगे, तो वो चीज आप यहाँ पे देखिए कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे रखेंगे, सब कुछ वेब
ऐप में रखेंगे, यानी वेब ऐप को सेलेक्ट रखना है, ठीक है, राइट क्लिक करना है इसी पे, कहाँ पे सेलेक्ट, मैं फिर से बता रहा हूँ, वेब ऐप सेलेक्ट है, राइट क्लिक किया और न्यू, और यहाँ पे आपको मिलेगा HTML फाइल, और जैसे HTML फाइल पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल का नाम आएगा, ठीक है। फाइल का नाम मैं वही दे रहा हूँ जो यहाँ पे देखोगे कि ये जो अभी जो मैंने आपको बताया था, ये वाला फाइल देखो, फर्स्ट वाला वेलकम फाइल के नीचे, वेलकम फाइल के अंदर क्या लिखा, index.html, यही नाम मैं देता हूँ। क्यों नाम दे रहा हूँ, इसके पीछे की भी कहानी थोड़ी देर में उसके बारे में बताऊंगा। नाम क्या मैंने दे दिया, index.html, जो एग्जैक्टली web.xml फाइल में पहले से नाम लिखा हुआ था, वही नाम मैंने दिया। यहाँ पे नेक्स्ट हम करेंगे और यहाँ पे फिनिश करेंगे। जैसे हमने फिनिश किया, आप देखेंगे कि पूरा HTML का जो जो भी सिंटेक्स होता है पूरा बना बनाया आपके पास यहाँ पे दे दिया है, पूरा HTML है, हेड है, बॉडी है, टाइटल है, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब बॉडी पार्ट के अंदर आपको कुछ प्रिंट करना है, मान लो कि मैंने एक H1 टैग दे दिया, मैंने लिख दिया क्या कि we are learning HTML, है ना, जस्ट मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, और इसको सेव, यहाँ पे देख, इस बात पे कर सेव, आप जो भी चेंजेस करोगे, जैसे index.html आपको दिख रहा होगा, इसके जस्ट बगल में, जस्ट उससे पहले एक छोटा सा एस्ट्रिक साइन दिखेगा, स्टार साइन दिखेगा। स्टार साइन का मतलब कि हमने जो भी चेंजेस किया वो सेव नहीं हुआ है। कंट्रोल एस कीजिए कीबोर्ड से, मैं कंट्रोल एस किया, आप देखेंगे ये सेव हो चुका है, स्टार नहीं दिख रहा है, मतलब सेव हो चुका है, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अब इसको रन कैसे किया जाए, ठीक है, एक बार चेक कर लें कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है क्या। तो इसको रन कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है कि रन करने के लिए यहाँ पे जाना है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे, जब जब कोर जावा सिखा करते थे, अगर आपने भी किया होगा, तो डायरेक्टली ये रन बटन होता था, जस्ट उस पर क्लिक करते थे। नहीं, अभी यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जो प्रोजेक्ट का नाम जो मैंने दिया था, माई फर्स्ट वेब एप्स, इसको सेलेक्ट रखना है, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होगा रन एज और रन ऑन सर्वर, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर HTML फाइल को मुझे सर्वर पे रन करना है, ठीक है। एक एक सेकंड, आप यहाँ पे देखो, ये सर्वर तो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, स्टॉप्ड, कि सर्वर स्टॉप्ड है। अगर सर्वर स्टॉप है तो ये ऑटोमेटिक इक्लिप्स उसको स्टार्ट कर देगा। कैसे करेगा, आप ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक हमने किया, और यहाँ पे रन एज रन ऑन सर्वर पे हमने क्लिक किया। जैसे हमने ये चीज किया, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, डायरेक्टली फिनिश बटन पे क्लिक मत कीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, अभी आप देखो ये आपको कंटिन्यू दिख रहा है। लास्ट टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम जब टॉमकैट वर्जन को यहाँ पे रखा था, तो ये कम्प्लीटली ब्लैंक था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट इस कंटेनर पे आ चुका है, और उसके बाद अब नेक्स्ट बटन काम नहीं कर रहा है। अब जैसे इस फिनिश बटन पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप देखेंगे सर्वर स्टॉप से स्टार्टिंग मोड में आ रहा है, और वो आपसे अलाउ मांग रहा है कि यहाँ पे अलाउ करो उसको स्टार्ट होने में, ठीक है। मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे index.html जो था, ये वेब ब्राउजर आपको दिखा रहा है, और ये आपको मैसेज दिखा रहा है, वी आर लर्निंग HTML, और इसके ऊपर जो ब्राउजर है, ये ब्राउजर में अगर आप देखोगे, आपको दिखेगा http://localhost:8080, 8080 पोर्ट नंबर होता है, ये किसका पोर्ट नंबर होता है, ये अपाची टॉमकैट का पोर्ट नंबर होता है, ठीक है, और स्लैश, और उस पे हम किसको रन कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट का नाम है कि माई फर्स्ट ऐप, है ना, ये जो है इसे मैं रन कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, और ये हमने जो कुछ लिखा था, ये मैसेज मुझे मिल रहा है, लेकिन फिर आपके मन में ये आएगा कि ये मैंने तो कहीं बताया नहीं कि मुझे index.html को ही रन करो, ये तो मैंने बताया नहीं कि ये ऑटोमेटिक ये कैसे हमें आउटपुट दिखा रहा है, राइट। आपके मन में ऐसा चल रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया, तो यहाँ पे जो web.xml जो फाइल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे क्या रखा है, index.html नाम पहले से दिया हुआ है, और यहाँ पे web.xml में सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है, यानी इसके अंदर वेलकम फाइल का देखो, ये ओपन टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर हमने क्या लिखा है, index.html हमने नहीं लिखा, ये पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में वो सर्च करता है कि index.html फाइल है क्या, तो उसने देखा कि हाँ है, तो बस इंटरनली वो गया और इसको आराम से उसने रन कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसका नाम चेंज कर दो, या इसको मैं डिलीट कर दूं अभी, ठीक है, और डिलीट करके एक दूसरा HTML फाइल बनाता हूं, और अब मैं रन करता हूं, जैसे मान लो कि यहीं पे आते हैं, इसको डिलीट क्यों करते हैं, मैंने यहाँ पे इंडेक्स का जो है यहाँ पे एक और एक्स डाल दिया, ठीक है, इंडेक्स एक्स नाम दे दिया, यानी स्पेलिंग मैंने अलग कर दिया, यानी इस नाम का कोई फाइल हमारे पास अभी
बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडेक्स एक्स डॉट एस टी एम एल नाम का कोई फाइल हमारे पास नहीं है, ठीक है, इसको आप सेव कर लो आप। और अभी ये हमारे पास, हमने कोडिंग किया है कि इसमें इंडेक्स डॉट एस टी एम एल में, बट वी डोंट हैव इंडेक्स एक्स डॉट एस टी एम एल नाम का कोई भी हमारे पास फाइल नहीं है। पहले था हमारे पास, रन हो रहा था, चलो ठीक है, अब इसको मैं क्लोज कर दिया। अब मैं फिर से उसी तरीके से रन कर रहा हूँ, कैसे, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक मैंने किया और रन एज, रन ऑन सर्वर पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे नेक्स्ट करते हुए फिनिश बटन पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, रीस्टार्ट सर्वर, क्योंकि पहले तो आपने स्टार्ट किया था, अब फिर से मुझे रीस्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्टेड, क्योंकि सर्वर तो स्टार्ट है। तो मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है फिर से रीस्टार्ट कर दो, ठीक है, मैंने ओके किया। तो फिर से क्या होगा, सर्वर स्टॉप होगा और फिर से ये स्टार्ट होगा, और अभी आपने जो चेंजेस किया उसके बाद इस प्रोजेक्ट को वो जब रन करेगा तो आप देखेंगे आउटपुट कैसा आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि HTTP स्टेटस 404 माई फर्स्ट एप्लीकेशन जो भी था, और ये क्या बता रहा है डिस्क्रिप्शन में, देखो आप क्या दिखा रहा है, द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल। इसका मतलब क्या कि आपके पास जो वेब डॉट एक्स एम एल फाइल में जो बनाया था इंडेक्स एक्स डॉट एस टी एम एल, इस नाम का तो आपने फाइल क्रिएट किया ही नहीं है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा इंटरनली जो है वो वेलकम फाइल के अंदर, यानी वेब डॉट एक्स एम एल के अंदर में जो भी फर्स्ट यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है पहले वो उसी को जाके सर्च करता है। अगर इस नाम का कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है तो वो आपको ये एरर आपको यहाँ पे दिखाता है, बोल रहा है क्या कि वो फाइल तो यहाँ पे है ही नहीं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप कोई भी फाइल अगर बनाते हो तो उसका नाम आप यहाँ पे, जो भी HTML फाइल का नाम दे रहे हो तो वो चीज आप यहाँ पे जरूर आप सही से आप लिखते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से रन होगा। जैसे कि मान लो कि मैंने कुछ ऐसी, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं कि इंडेक्स डॉट एस टी एम एल ही लिखे, नहीं आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो डॉट एस टी एम एल, इसका मतलब क्या, हेलो डॉट एस टी एम एल तो फाइल अभी है नहीं। फिर से इसको रन करेंगे तो हमें सेम यही एरर आपको दिखाएगा कि रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल। फिर इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, तो आप नया भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अभी मैंने क्या किया कि अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है वेलकम फाइल के अंदर, हेलो डॉट एच टी एम एल, यानी इस नाम का एक मैं एच टी एम एल फाइल अभी मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इंडेक्स पहले से बना हुआ है, इसको रहने दो, उसको छोड़ दो, मैं यहाँ पे एक नया बना देता हूँ। तो कैसे, फिर से न्यू एच टी एम एल फाइल हम कैसे बनाएंगे, वेब एप्स सेलेक्ट रखना है प्रोजेक्ट में, राइट क्लिक करना है यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे आपको नीचे एच टी एम एल फाइल आपको दिखेगा, इसको क्लिक करो और इसका नाम मैंने अभी क्या दे दिया, हेलो डॉट एच टी एम एल नाम दे दिया और नेक्स्ट करते हुए फिनिश कर दिया, ये फाइल हमारे पास बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक S2 टैग डाल दिया और यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ क्या कि वी आर इन हेलो डॉट एच टी एम एल पेज, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा पेज रन हो रहा है, ठीक है। इसमें हमने ये मैसेज यहाँ पे मैंने दे दिया, अब इसको रन किया जाए, ठीक है। अब कैसे रन करेंगे, हेलो डॉट एच टी एम एल फाइल तो है और हमने वेब डॉट एक्स एम एल में भी मैंने इंडेक्स से हटा के हेलो डॉट एच टी एम एल हमने कर दिया है। इसका मतलब क्या कि अब फिर से मैं रन कर रहा हूँ, यानी फिर से इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रन एज, रन ऑन सर्वर पे मैं क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया और फिनिश पे किया, यहाँ पे रिस्टार्ट करो, फिर सर्वर को रिस्टार्ट करो, फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टार्ट होगा और अब देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या दिखा रहा है और कौन से एच टी एम एल फाइल को ये रन करता है। आप देखेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आप वी आर इन हेलो डॉट एच टी एम एल पेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आई होप कि अभी आपको वेब डॉट एक्स एम एल फाइल का क्या सिग्निफिकेंट है वो चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करने के, यहाँ तक क्लियर होगा कि हमने आपको सिंपल सा एक गूगल से हमने सर्च इंजन में डाला एक क्लिप्स डाउनलोड, वहां पे डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद हमें कौन सा इक्लिप्स लेना था वो मैंने इंस्टॉल किया, उसके अंदर हमें टॉमकैट किस तरीके से डालना था उसके बारे में मैंने आपको बताया, इसको कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या करना था, क्या क्या चेंजेस किया, एक छोटा सा एच टी एम एल का फाइल हमने इसमें कहाँ पे ऐड करना है, उसको किस तरीके से रन करना है। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि कैसे हम कोर जावा का तो सिंपल तरीके से आप लोग कर लेते हैं, लेकिन एडवांस जावा में ये मेन पार्ट आता है कि सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। और बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि जो आपने दो अलग अलग वर्जन मैंने आपको दिखाया था, है ना, एक तो था इंटरप्राइज एडिशन, तो इंटरप्राइज एडिशन वहां पे लेना है, इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे हम इसको एस टी एम में अभी जो भी आपने सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन आप इसी में आप यहाँ पे आप करके आप देख सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि अभी आपका सर्वर स्टार्टेड मोड में आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। मैं वापस से यहाँ पे अपने, अच्छा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप अपने ब्राउजर पे भी रन कर सकते हो। ये देखो ये जो था ब्राउजर, ये किसका है ब्राउजर, ये इक्लिप्स का इनबिल्ट ब्राउजर है,
और वहीं पे आपको ये रन करके आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर जैसे अभी मेरा जो ये रन हुआ है, वी आर इन हेलो डॉट एस्टिन पेज, ये पर्टिकुलर फाइल को अगर आप चाहो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे इक्लिप्स में, मतलब मेरे इक्लिप्स मतलब मेरे ब्राउजर पे, आप जो भी ब्राउजर यूज करते हो, गूगल क्रोम यूज करते हो, फायरफॉक्स यूज करते हो, ओपेरा मिनी यूज करते हो, आप कोई भी आप यूज करते हो उस पर आप रन करना चाहते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। कैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, यानी इस यूआरएल को कॉपी कर लीजिए आप। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया है और अपने ब्राउजर पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैं एंटर करता हूं। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, एक सेकंड, पेस्ट हुआ। अच्छा यहाँ पे ये चीज आ चुका है, ये एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो है लोकल होस्ट, आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ इतना लिखा और यहाँ पे एंटर हम करते हैं। ठीक है, अभी आप देखो, आप मैंने क्या लिखा, लोकल होस्ट कोलन 8080 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इफ यू आर सीइंग दिस, अगर आपको ये दिख रहा है, ये पेज अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या, यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड द टॉमकैट कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपके सिस्टम में टॉमकैट आप अच्छी तरीके से आपने यहाँ पे आप कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये पर्टिकुलर चीज रन, ये जब होगा, ये उस वक्त अगर आपके पास इंटरनेट भी नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, इस चीज की आप समझ लो, आप इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ये जो है ना लोकल होस्ट अगर ये, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि ये स्टार्ट मोड में हो, यहाँ पे जो है ना ये टॉम कैट स्टार्टेड मोड में होगा तो ही ये पेज ओपन होगा, अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं तो ये चीज यहाँ पे ओपन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब इसी में प्रोजेक्ट जो है, मेरा प्रोजेक्ट का नाम हमने क्या रखा था, मैं ये जो प्रोजेक्ट है इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट था माय फर्स्ट वेब एप्स, और यहाँ पे आके स्लैश करते हुए यहाँ पे रखता हूँ और फिर यहाँ पे एंटर करता हूँ। देखो आप, ये आपके ब्राउजर पे डायरेक्टली ओपन आपको करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है, यानी लोकल होस्ट पे ये मेरा प्रोजेक्ट है, उस पे ये मैसेज आपको दिखा रहा है। तो आप इक्लिप्स का जो इनबिल्ट ब्राउजर है आप उसको भी यूज कर सकते हैं, या आप चाहें आपका जो भी फेवरेट ब्राउजर है आप उसका भी आप यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा अभी आपको यहाँ पे आउटपुट दिखा दिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब मैं वापस इक्लिप्स में आता हूँ और ये जो सर्वर मैंने जो स्टार्टेड मोड में है, अभी आपको यहाँ पे मेरे कर्सर फोकस करना, स्टार्टेड मोड आपको दिखा रहा होगा। अच्छा यहाँ पे आप पीछे ट्रायंगल साइन दिखोगे, इसको मैं जैसे यहाँ पे ये करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो आपको प्रोजेक्ट है, मतलब ये दिखा रहा है कि इस सर्वर पे ये प्रोजेक्ट जो है डिप्लॉयमेंट हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया कि इस प्रोजेक्ट, ये जो इक्लिप्स के अंदर जो मेरे पास टॉमकैट है, मैं राइट क्लिक किया इसी पे और इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ से शॉर्टकट कीज भी है, कंट्रोल अल्ट प्लस एस भी करोगे तो स्टॉप हो जाएगा, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये आप देखोगे स्टॉपिंग, और ये स्टॉप हो चुका है, यानी अब वापस से मैं सर्वर पे आता हूँ तो यहाँ पे सर्वर तो दिखा रहा है बट ये स्टॉप मोड में दिखा रहा है, अब स्टॉप मोड में आ चुका है। अब मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ और इस पेज में पहले आउटपुट आ रहा था, अब मैं यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, क्योंकि मैंने वहां पे सर्वर को रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है, इसलिए अब ये काम नहीं कर रहा है, सर्वर का स्टार्ट मोड में होना जरूरी है। समझ में आया किस तरीके से काम कर रहा है, तो ये आप अच्छी तरीके से HTML जो भी आपने सीखा है आप इसमें प्रैक्टिस आप कीजिए, समझिए, और उसके बाद फिर मैं आपको उसको जावा से कैसे लिंक करेंगे, जावा का पूरा कोड हम लोग यहाँ पे जो SRC है मेन है उसके अंदर जावा है, इसके अंदर में हम लोग पूरा एक सर्वलेट क्रिएट करेंगे, अलग अलग क्लासेस क्रिएट करेंगे और फिर इसके अंदर में बहुत सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन इतना पहले आप अपने सिस्टम में इतना चीज आप करके रखिए ताकि आप बेहतर तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक कि आप एडिटर को नहीं समझ पाएंगे अच्छी तरीके से फिर आप नहीं कर पाएंगे। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा और इस चीज को आप जरूर फॉलो कीजिए।